तो है गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर ब्लॉग्स। तो आज मैं जा रहा हूँ बस्ती की ओर, क्योंकि आज हमारे बस्ती पर है फेस्टिवल, वो भी नुक्ते कम्युनिटी का। तो इसलिए देखने के लिए जा रहे हैं आज वहाँ का फेस्टिवल किस तरह से मनाया जाता है। पिछले बार भी मैंने आपको दिखाया था और इस बार भी दिखा रहा हूँ वो सेम फेस्टिवल एक्सपीरियंस, और जो मज़ा है वो थोड़ा अलग हो सकता है। इसलिए मैं आज फिर से जा रहा हूँ फेस्टिवल देखने के लिए बस्ती की ओर। तो आज आपको दिखाएंगे यहाँ किस तरह से यहाँ के लोग इंजॉय करते हैं। तो ये जो फेस्टिवल है ना गाइस, कि यहाँ के जो नागा का है, या बाहर के लोग तो नागा ही कहेंगे, लेकिन हमको पता है कि इन कम्युनिटी का नाम है नुक्ते ट्राइब्स। नुक्ते कम्युनिटी जो है कि इस फेस्टिवल को सालों साल मनाते, मतलब हर साल मनाते ये लोग। मतलब किस खुशी में मनाते वो तो पता नहीं, इसके कुछ रीज़न तो पता नहीं, पर इतना पता है कि लोग साल में एक बार मनाते। तो दोस्तों, यहाँ का जो बस्ती है, मतलब एक ही कम्युनिटी के बस्ती है, लेकिन तीन बस्तियाँ हैं। मतलब एक बस्ती में ही तीन बस्ती है। जैसे कि ये बस्ती का नाम है राजानगर, तो राजानगर 1 2 3 तीन बस्ती से मिलकर मतलब एक बस्ती बना है। मतलब ये जो नुक्ते कम्युनिटी के जो ये जो बस्ती है गाइस, ये मतलब तीन बस्ती मिलके एक बस्ती बने हैं, या फिर एक बस्ती से तीन बस्ती बने हैं, वो मतलब वो तो पता नहीं, लेकिन बस्ती का नाम तो एक ही है राजानगर, लेकिन ये डिवाइडेड है तीन बस्तियों में, मतलब राजानगर 1 2 और 3। तभी हम जा रहे हैं 2 की और 3 में, तो मतलब वो जो स्टार्टिंग था वो हो गया, और अभी हम 2 की ओर जा रहे हैं देखने के लिए कि वहाँ पर स्टार्टिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मतलब किस तरह से कुछ क्या हो रहा है, मतलब अपना किस तरह से इंजॉय कर रहे हैं लोग वहाँ कर, वो देखने जा रहे हैं। 3 से अभी हम 2 की ओर जा रहे हैं, और 2 पहुँचने के बाद वहाँ देखेंगे, उसके बाद 1 जाएंगे, और वहाँ शायद कोई दोस्त मिल जाए तो उनसे थोड़ा बातचीत करेंगे, उन्हें विश करेंगे, उसके बाद फिर से हम आएंगे शाम को इधर, और यहाँ का फिर से आपको नज़ारा दिखाएंगे, और देखते हैं यहाँ का मतलब क्या क्या होता है। होता तो है गाइस, दोस्त मतलब अपने अपने जो दोस्त है वो बुलाते हैं घर घर में, और कुछ दारू मीट वीट वगैरह वगैरह खिलाते हैं। तो आपको भी दिखाएंगे, मतलब वहाँ भी जाएंगे आज हम। तभी यहाँ पर मतलब इन लोगों का जो ट्रेडिशनल सॉन्ग है वो बज रहा है। यहाँ पर एक स्कूल फील है, प्राइवेट स्कूल डॉन बॉस्को स्कूल के जो फील्ड है वहाँ पर मतलब कुछ प्रोग्राम हो रहा है, वहाँ पर भी गाना वाना तो बज रहा है। अभी देखेंगे जा करके क्या प्रोग्राम हो रहा है, उधर जाके देखेंगे। तो दोस्तों, अगर वीडियो जरा सा भी अच्छा लगा हो तो आप लाइक कीजिए, और कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा। आप कभी आए हो राजनगर, ये कमेंट करके बताना, और हो सके तो सब्सक्राइब करके थोड़ा दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। तो यहाँ पर भी प्रोग्राम होगा गाइस आज रात को, अभी तो होगा, तो मैं आपको वो दिखाऊंगा शाम को आके। ये हमारे बस्ती के भाई अपने अपने ट्रेडिशनल ड्रेस पर, यहाँ पर बहन लोग अपने अपने ट्रेडिशनल ड्रेस पर कहीं कहाँ जा रहे पता नहीं ये लोग। हे गाइस, ये मैं हूँ, और ये मेरा दोस्त है, और यहाँ में ब्लॉगिंग चल रही है। और फाइनली गाइस, हम पहुँच चुके हैं 1 नंबर, यहाँ पर भी कुछ प्रोग्राम हो रहा है, लेकिन 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर में से मतलब एक नंबर पर लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा है, और यहाँ राजानगर में से सबसे ज़्यादा भीड़ यहाँ पर है गाइस। तो दोस्तों, यहाँ पर भी बहुत धूमधाम से फेस्टिवल मनाया जा रहा है। अभी हम जा रहे हैं, दोस्त ही एक दोस्त आया है बहुत ही दूर से मुझसे मिलने के लिए। मतलब पिछले साल जो था कि हम लोग क्लासमेट थे और वो इसी बस्ती में रहता था, लेकिन इस बार जैसे हम क्लास 10 पास हो गए, वो भी अपना बस्ती चला गया लॉन्गडिंग, और मैं तो यहीं रह गया। तो वो गया कल को आया था, और गया कल शाम को तो मैं एक बार उससे मिलने आया था, फिर से मतलब दिन में मिलने आया उससे, क्योंकि वो मेरा बेस्ट फ्रेंड था एक समय पर, और अभी बेस्ट फ्रेंड है, तो उससे मैं अभी मिलने जा रहा हूँ। यहाँ का फेस्टिवल तो हो रहा है फिलहाल, इसके बाद हम फिर से जाएंगे हमारे 3 नंबर की ओर, क्योंकि मेरा मेन विलेज ही वही है, वहाँ जाएंगे और वहाँ का कुछ दिखाएंगे कल्चर कैसा है, किस तरह से कल्चर है। अभी फिलहाल दोस्त से मिल के आते हैं सारा, लेकिन मुझे नहीं देख रहा, ये रहा। हैप्पी होजू, क्या कर रहा था, विश नहीं किया ना, और आपको भी कहाँ जा रहा है अभी, ये लोग कोविड में घुस रहे क्यों, जो है कि एक घर में लेके आया है, देखते हैं यहाँ पर क्या क्या होता है, मतलब जो हो सकता है आपको वो दिखाएंगे। इधर का घर देख सकते हो गाइस, किस तरह बम्बू से बनाया जाता है, मिट्टी से ऊपर, मतलब ऊपर वाले फ्लोर पर बम्बू से, वहीं पर रहते हैं ये लोग। लोकिन दारू है खास करके ये राजनगर फेस्टिवल के लिए, जैसे कि बनाया जाता है चावल से बनाया जाता है ये, मतलब दारू बोल के भी नहीं, लेकिन चावल से बनाने वाला, चावल से बनाया जाता है गाइस, मतलब दारू बोल के भी नहीं है ये, उससे मतलब थोड़ा सा ट्राई करेंगे हम, यहाँ का नियम ही है मतलब। तो फाइनली यहाँ पर आ चुका है ये लोकल राइस का लोकल दारू, और ये मीठिया का मीठा है। अब दोस्तों उस घर से आ चुके हैं, अब और घर नहीं घुसेंगे, क्योंकि हर घर पर दारू दिया जाता है, तो मुझे नशा नहीं होना,
मुझे ब्लॉगिंग भी करनी है, इसलिए मैं अभी ज़्यादा नहीं घुसूंगा। जब ब्लॉगिंग करके ख़त्म हो जाएगा तो शायद मैं शाम को जा सकता हूँ दोस्तों के साथ। अगर ज़्यादा पिया ना तो नशा हो जाएगा, है कि नहीं? अभी हम लोग आए हुए एक घंटा हो गया, अभी शाम का चार बज चुके हैं शाम के। अभी हम फिर से जा रहे हैं हमारे बस्ती की ओर, क्योंकि उस तरफ में कुछ ज़्यादा ही दोस्त है, इधर दोस्त की बहुत कमी हो रही है। अभी हम हमारे बस्ती पहुंच गए 3 नंबर, और यहाँ पर अभी भी डांस चल रहा है, वो आपको दिखाएंगे मुझे। और यहाँ पर अभी तादाद भी बहुत ज़्यादा है देखने में, मतलब देखने के लिए लोग बहुत ज़्यादा लोग आए थे, देख सकते हो बहुत ज़्यादा लोग आए हैं। तो अभी शाम हो चुका है दोस्तों, रात होने वाला है, तो अभी ब्लॉग को यहीं पर अंत करते हैं, और कल आपको दूसरा ब्लॉग मिलेगा, जो भी होगा वो आपको दिखाएंगे कल। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही था, और कल दिखाएंगे, क्योंकि अभी रात हो गया, रात में उतना खास नहीं दिखाई देगा, इसलिए कल मिलते हैं गाइस। कैसा लगा ब्लॉग बताना, और अगर आप आना चाहते हो तो नेक्स्ट ईयर आ सकते हो, अक्टूबर के महीने पर होता है ये फेस्टिवल। तो दादा बाय बाय, सी यू, कल मिलते हैं।